हमारे सभी माननीय विधायक जो यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों को प्रणाम करते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, जितने लोग यहाँ व्यवस्था में लगे हैं सबको प्रणाम करते हैं, हमारे जिला प्रशासन के, हमारे जो डीएम साहब हैं, आपने कराई है ताता पानी महोत्सव की, आपको और यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का, इस ताता पानी महोत्सव में आए हुए माताएं बहनों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और मां के चरणों में, चूंकि ये हम गायकों का जो है वो धर्म है, कर्तव्य है, कि जिस मां की कृपा से हम आपके सामने खड़े होकर के दो शब्द बोल पाते हैं, उस मां के चरणों में पहले प्रणाम करके ही आगे बढ़ते हैं, तो उस मां के चरण में जिस भक्त का निवेदन है, प्रणाम है, वो सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, आज यहां इस महोत्सव में आए हुए मेरे सभी श्रद्धालु भी बोलेंगे। निरहुआ आई दुआरे बानी हे देवी माई। अगला लाइन तो जब सब कुछ मां की कृपा से मिला है, तो एक कलाकार होने के नाते एक बात का विशेष ध्यान मुझे रखना है, और मैं रखता हूं, और हर बार उस मां से यही कहता हूं कि जवन तू तेले बाड़ू चाही ना ज्यादा, खाली बनौ ले रही है तू मर्यादा, सुर के भवानी हऊ सुर में ही रही हा। एक ही कृपा करना मां, जो कुछ चाहा, जो कुछ मांगा वो तो दिया ही, जो नहीं मांगा वो भी मां आपने दे दिया। मैं नहीं कभी जानता था कि जीवन में मेरा कभी अवसर होगा कि मैं अपने माननीय मंत्री जी के और अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के फील्ड में भी आ पाऊंगा, राजनीति में आऊंगा, तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन उस मां ने वो भी दे दिया जो नहीं मांगा, तो मां से यही कहता हूं, बार बार कहता हूं मां, कि सुर के भवानी हऊ सुर में ही रही हा, हमरा के माई अहंकार से बचाई हा। जमन तू तेले बाड़ू चाहिए।